गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल, उसके बाद विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। कल आपने विभव के बारे में पढ़ लिया था। देखो आज उसी का आगे टॉपिक करते हैं, विद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है। कोई आपका क्या है मूल बिंदु पर, कोई आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई समतल है, प्लेन है, उस कोऑर्डिनेट में मूल बिंदु ओ पर क्या है कोई बिंदु आवेश क्यू रखा हुआ है किसी विद्युत क्षेत्र ई में। उस विद्युत क्षेत्र ई में आपको क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है कोई अन्य आवेश के लिए, ठीक है। उस बिंदु आवेश क्यू के लिए क्या करना है आपको, विद्युत विभव ज्ञात करना है किसी विद्युत क्षेत्र वी में। देखो हम बना लेते हैं अपने इसका डायग्राम। ये आपका मूल बिंदु ओ और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक क्यू आवेश रखा हुआ है, स्मॉल क्यू आवेश, ये एक्स और वाई। इससे अपने क्या है स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी बिंदु पी पर विचार करते हैं। इस बिंदु पी पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इससे एक स्मॉल एक्स दूरी पर, स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु ए मानता हूं, यह है आपकी स्मॉल एक्स डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, बिंदु पी से तो ओ से ए तक, ये ए, और ए से स्मॉल बी डीएक्स डिस्टेंस पर, डीएक्स डिस्टेंस पर क्या है बिंदु बी मानता हूं। ओके ये देखो फिर से समझ लो आपका डायग्राम, कोई आपका एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में आपके मूल बिंदु ओ पर क्यू आवेश रखा हुआ है किसी विद्युत क्षेत्र ई में। देखो इस ये विद्युत क्षेत्र ई है आपका, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र ई में आपका कोई आवेश क्यू रखा गया है, आपको क्या करना है इस विद्युत क्षेत्र ई के कारण या क्यू के कारण इस बिंदु पी पर क्या करना है, विभव क्या ग्रहण करना है, विभव वी पी। ओके देखो भी ये ज्ञात करने के लिए, विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए मैंने मान लिया इस पी से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर, स्मॉल पी एक्स, पी से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर बिंदु ए, ठीक है, और ए से कोई अल्पांश मान लिया dx जो कि क्या है b पर है, ए से dx दूरी पर कोई यह मान लिया b बिंदु मान लिया, अर्थात एक अल्पांश ले लिया dx अल्पांश। क्या करना है, कोई एक अन्य आवेश q नोट मान लो जो कि क्या है a कूलम के आवेश, अर्थात इसको मैं कह सकता हूं एकांक परीक्षण आवेश कह सकता हूं मैं, एकांक परीक्षण आवेश कह सकता हूं। इस एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा वो ज्ञात करते हैं। ये कार्य कितना होगा, देखो अभी कल अपने विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल पढ़ लिया, जो कार्य होता है वो विभव के रूप में स्टोर रहता है, और जो एकांक धनावेश को इस बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य कितना है वो आपके विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के बराबर होता है, अर्थात माइनस का ई डॉट डीएक्स होगा इसे बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। ओके ये मैं लिख सकता हूं बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, माइनस का ई डॉट डीएक्स, ठीक है, ये था आपका ई डॉट डीएक्स किससे बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। परंतु अपने को क्या करना है, किसी अनंत किसी आवेश को मतलब एकांक परीक्षण आवेश क्यू नोट को क्या लाना है, अनंत से इस बिंदु तक लाना है, अनंत से इस बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है, ठीक है, अर्थात वो आपका कह रहा है कि विभव के रूप में स्टोर होता है। तो अनंत से अपने क्या करेंगे इस बिंदु पी तक लाएंगे, और यहां से इसकी दूरी कितनी है स्मॉल आर है, तो अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपका, इस जो आपका विद्युत क्षेत्र है जो आपका कह रहा है ई डॉट डीएक्स इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, अतः अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य W बराबर कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का ई डॉट dx, और आपकी जो लिमिट लग जाएगी x की वो x बराबर इनफिनिटी से x बराबर क्या लग जाएगी r लग जाएगी, ठीक है, ये तो आपका लोअर लिमिट हो जाएगी इनफिनिटी और ये आपकी हो जाएगी उल्टा बोल दिया और ठीक है इनफिनिटी से r। ओके तो कर दो सॉल्व इसको, W बराबर
देखो भाई सबसे पहले आपको इस E की वैल्यू रखनी पड़ेगी भी, इस E की वैल्यू कैसे, इस बिंदु A पर भी E की वैल्यू कितनी है। तो देखो इस Q आवेश, ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस Q आवेश के कारण है, तो E बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है KQ अपॉन में R स्क्वायर। अब आपकी दूरी कितनी है मूल बिंदु से बिंदु A तक, x है, तो E बराबर कितना हो जाएगा आपका KQ अपॉन में x स्क्वायर। तो आप ये वैल्यू पुट कर देते हैं, W बराबर माइनस का इंफिनिटी से R KQ अपॉन में x स्क्वायर और dx। ये देखो ये KQ कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, W बराबर माइनस का KQ इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी से R और 1 अपॉन x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन देखो सब बच्चों को आता होगा, 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस का 2 अपॉन x क्यूब नहीं 1 अपॉन x, x की पावर माइनस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका x की माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1। देखो ये हो गया आपका माइनस 1, ये हो गया आपका माइनस 1, तो x ये हो गया आपका इंटीग्रेशन इसका। देखो ये वाला जो माइनस होगा इससे कैंसिल हो जाएगा, w बराबर आ गया KQ और आ गया आपके पास 1 अपॉन x और ये हो गया इनफिनिटी से r। देखो पहले अपने अपर लिमिट पुट करेंगे और उसके बाद लोअर लिमिट, तो W आपका पास आ गया KQ। देखो लोअर लिमिट आपकी हायर लिमिट है 1 अपॉन r माइनस ये हो गया 1 अपॉन इनफिनिटी। देखो 1 अपॉन इनफिनिटी क्या होता है 0, तो W बराबर आ गया KQ ओवर r। और यही जो कार्य है ये कार्य किसके रूप में संचित होता है, विभव के, यही कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। कल आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, अर्थात Vp इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर, ये आपके पास आ गया विभव। किसी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु आवेश के लिए क्या एकांत आवेश को अनंत से आर तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु आवेश के लिए या Q चार्ज के लिए बिंदु किसी r दूरी पर स्थित, विभव ज्ञात कीजिए। तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने क्या लिया एक बिंदु आपका Q आवेश लिया जो कि क्या है मूल बिंदु O पर रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पे आपको क्या करना है विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं कुछ क्या है मान लेता हूँ, माना कि क्या है स्मॉल x दूरी पर क्या है इसी मूल बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर क्या बिंदु A है, ठीक है, और इस A से क्या है कोई अल्पांश ले लिया dx अल्पांश जो कि बिंदु B पर है। आप क्या कर लेते हैं पहले B से A तक निकाल लेते हैं और उसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे इनफिनिटी से R तक, और आपका क्या आ जाएगा विद्युत विभव आ जाएगा। मतलब इस B से A के लिए विभव निकाल लिया और उससे क्या निकाल लेते हैं बिंदु P के लिए विभव निकाल लेते हैं। तो देखो कल अपनों डेफिनेशन की थी जो आपका दो बिंदु किसी भी एकांक धनावेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के बराबर होता है, तो वो लिख दिया माइनस का ए डॉट dx। देखो अब इसका अनंत से बिंदु P तक लाने में कार्य कितना होगा, आपकी लिमिट होगी x बराबर इनफिनिटी से x बराबर r, तो इनफिनिटी टू r माइनस का ए डॉट dx। W बराबर अब वैल्यू पुट करनी है आपको, आप पता है x दूरी के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होता है KQ / x स्क्वायर, बाकी आप सारा कार्य आप स्वयं कर सकते हैं बहुत आसान है। बस क्या किया मैंने यहाँ KQ / x स्क्वायर वैल्यू पुट की, इस KQ को बाहर निकाल लिया 1 / x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन किया जो कि होता है 1 / x, ठीक है इनफिनिटी से r अपने ने इसकी लिमिट पुट की, पहले आपकी क्या होती है हायर लिमिट फिर आपकी लोअर लिमिट, हायर लिमिट थी 1 / r और ये थी आपकी इनफिनिटी, आपको पता है 1 अपॉन इनफिनिटी क्या होता है 0, तो W बराबर क्या आ गया KQ ओवर, और यह कार्य क्या कहलाता है आपका विभव, तो VP बराबर क्या आ गया KQ ओवर R। यहां समीकरण क्या कहलाती है, ये समीकरण एक किसी बिंदु आवेश Q के लिए क्या है विद्युत विभव है। ओके कल अपने पढ़ेंगे इसका आगे वाला टॉपिक आपका तो ग्रेडिएंट V और E में रिलेशन, E और V में संबंध, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव में। थैंक यू।